हरे कृष्ण। परम सौभाग्य है आज वैदिक गणना के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार इस वर्तमान वर्ष का अंतिम दिन है और इसलिए भारतवर्ष में इन दिनों में साल भर जो बिजनेस किया है, काम किया है, उसका हिसाब होता है। खास करके गुजराती, मारवाड़ी आदि परिवार में। और कल से नया वर्ष शुरू होता है। साल भर जो धन कमाए हैं, जो पैसे कमाए हैं, उनका हिसाब तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम कितना भजन किए हैं, इस साल में हम कितना प्रोग्रेस किए हैं, या कितने बहुत बहुत अधिक वैष्णव अपराध किए हैं, इसका हिसाब भी साथ ही साथ जोड़ना चाहिए। आज परम पवित्र दिन है। श्रीमान रामचंद्र प्रभु ने कहा था कि आप भगवान रामचंद्र के विषय में बताइएगा, और श्याम कुंड प्रभु ने कहा कि दामोदर लीला पर बोलेंगे। दोनों पक्के स्वार्थी हैं। इनका नाम रामचंद्र है तो रामचंद्र के बारे में बोलने को कहा, इनका नाम श्याम कुंड है तो श्याम सुंदर के बारे में कहा। खैर, ये आस्था है भगवान के प्रति। लेकिन मैं यहां पर बैठकर सोचा कि राम के बारे में बोलूंगा तो वो दोनों को बुरा लग जाएगा, यदि कृष्ण के बारे में कहा तो महाप्रभु को और राम को बुरा लग जाएगा। तो मेरे पास से 45 मिनट है, मैं 15 मिनट दिवाली के अवसर पर राम के ऊपर, 15 मिनट चैतन्य महाप्रभु और 15 मिनट कृष्ण, ये ठीक रहेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। हालांकि आप सब जानते हैं 15 मिनट बहुत कम है मेरे लिए, लेकिन फिर भी सागर को गागर में भरने का प्रयास करेंगे। आज के दिन की बहुत सुंदर महिमा है। आज वैसे बहुत सारी वस्तुएं हुई थी। आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। आज ही के दिन भगवान वामन ने बलि महाराज से लक्ष्मी जी को मुक्त कराया। आज ही के दिन 12 वर्ष वनवास में बिताने के बाद पांडव अपने स्थान पर वापस आए थे। आज ही के दिन हमारे भारत में एक बहुत बड़ा धर्म है, जैन धर्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का आज तिरुभाव दिन है। तो बहुत सारी वस्तुएं आज के दिन घटित हुई थी, लेकिन हमारे लिए जो उपाध्याय है, हम भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन घटना घटी, वो है भगवान की दामोदर लीला और भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या में वापस आने की लीला। मैं पिछले 30 सालों से दिवाली के दिन वृंदावन में होता हूँ और इसी समय महावन में, गोकुल में, जहाँ उखल बंधन का स्थान है, वहाँ पर भक्तों के बीच में कीर्तन प्रवचन आदि करता हूँ और फिर रात को रावल में जाते हैं। लेकिन आज यहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी में, टोवाको मंदिर में हूँ, लेकिन हृदय से कहता हूं कि मुझे 1% भी अफसोस नहीं है।
क्योंकि जो माहौल मैं 30 साल से अनुभव करते आया हूँ, जिस माहौल का मैं 30 साल से ब्रज में बैठकर आनंद लेते आया हूँ, वही आनंद वही सुख श्री प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन टोवाको के इस मंदिर में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मैंने दोनों पार्ट देखे, वहां के और यहाँ का, बहुत बड़ा आनंद। तो स्थान की महिमा तो है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मन। यदि हम बहुत बहुत पैसे टिकट आदि खर्च करके ब्रज में पहुंच भी गए, लेकिन ब्रज में जाकर यदि हमारा मन अमेरिका में है कि ये ब्रज में तो गंदगी है, यहाँ तो गटर है, यहाँ तो ये है, हमारे अमेरिका में बहुत अच्छा है, वहां सफाई है, यदि हम शरीर से ब्रज में है लेकिन मन अमेरिका में है तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन चलो होना हो, हम अमेरिका में, शरीर अमेरिका में है लेकिन मन यदि ब्रज में है तो 100% फल प्राप्त होता है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनसस्तु पराबुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सः। आप इंद्रियों से जो काम करते हो उससे अधिक श्रेष्ठ है बुद्धि से काम करना, और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है मन से काम करना। इंद्रियों से जो कार्य किए उसका जो फल मिलता है, और मन से जो कार्य किए उसका जो फल मिलता है, वो इंद्रियों के कार्य से हजारों गुना अधिक है मन से कार्य करना। तो हम सब यहां पर बैठे हैं और दामोदर आरती चल रही थी, दामोदर अष्टकम दीपदान, तो ये ब्रज से कम नहीं, हमारा मन स्वाभाविक ब्रज में चला जाता है और यहाँ बैठकर ही हम ब्रज में उपस्थित है और उतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए राम के विषय में, अब राम की 5 मिनट खा गया मैं, भगवान रामचंद्र के विषय में थोड़ा सा हम सुने। भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, माँ कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास दिया था। लीला का एक पहलू यह है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, लेकिन लीला का दूसरा पहलू आप देखिए कि वास्तव में जगत की दृष्टि से कैकेयी को बहुत गालियां दी गई, बहुत बुरा कहा गया। आज तक लोगों ने अपनी बेटी के नाम बहुत बहुत रखे, लेकिन कैकेयी नाम किसी ने नहीं रखा। मुझे एक एक नाम दिखा दीजिए, इतना नाम बिगड़ा हुआ है माँ कैकेयी का। लेकिन आज दिवाली के दिन, मैंने आचार्यों से सुना है, आज दिवाली के दिन भगवान रामचंद्र ने ये सीक्रेट जो था वो खोल दिया। जैसे ही भगवान रामचंद्र रावण का वध किए दशहरा के दिन, और लंका से वापस लौटना था, पुष्पक विमान बनाकर उस पर बैठकर वापस लौट रहे थे, राम के भाई भरत ने कहा था कि 14 वर्ष से 1 घंटा भी यदि अधिक हुआ तो आप मेरी लाश को पाओगे। तो भगवान रामचंद्र ने देखा कि हमें पहुंचने में यदि थोड़ी सी देरी हो जाएगी, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जाओ और अयोध्या में खबर करो कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी आए और फिर भगवान रामचंद्र सब को लेकर, पूरी सेना को लेकर आज के दिन अयोध्या में वापस आए। रामचंद्र के विरह में अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी ने अच्छे वस्त्र नहीं पहने। अपने प्रिय राम के विरह में 14 वर्ष तक जब भगवान वनवास में थे, किसी ने अच्छे व्यंजन बनाकर नहीं खाए। 14 वर्ष तक अयोध्या के वासियों की आंखों में आंसू नहीं सूखा। यहां तक वर्णन है, 14 वर्ष तक इतना शोक मनाया अवध वासियों ने कि 14 वर्ष तक किसी ने अपने घर पर दीप नहीं जलाया। 14 वर्ष वनवास काल के बाद जब भगवान रामचंद्र वापस आए, तो ऐसा कहते हैं कि 14 वर्ष तक अयोध्या में जितने घर में 14 × 365 एक घर का इतना होता है, और ऐसे अयोध्या में सबके घर पर 14 वर्ष तक जितने दीप नहीं जले थे,
भगवान रामचंद्र आज जब अयोध्या में वापस आए तो 14 वर्ष के दिए एक साथ अयोध्या वासियों ने जलाए। ये है दिवाली। इसलिए इसे दीपावली कहते हैं कि 14 वर्ष के दिए एक साथ अवध वासियों ने भगवान रामचंद्र के आगमन में प्रकटित किए। ये है दीप उत्सव। और भगवान रामचंद्र जैसे ही अयोध्या में आए, सीखने जैसी बात, भगवान राम सबसे पहले कैकेयी के कमरे में गए। अयोध्या में प्रवेश करके भगवान रामचंद्र अपनी माताओं में, वैसे अपनी जननी, जन्म देने वाली कौशल्या थी और सुमित्रा भी बहुत अधिक प्रेम करती थी कि लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। लेकिन कैकेयी ने तो वनवास दिया था। आज का कोई आदमी होगा, चाहे कितना बड़ा डीओटी भी क्यों ना हो, यदि बहुत बड़ा डीओटी भी क्यों ना हो, कोई 14 वर्ष का वनवास दे दे, अरे 14 वर्ष की वनवास की बात क्या करे, एक गाली भी देते हैं ना, तो जीवन भर तक याद रखते हैं। एवरी डॉग हैज वन डे, हर कुत्ते का दिन होता है। आज तेरा है तो कल मेरा है। गाली देते हैं तो हम इतना याद रखते हैं, जिसने 14 वर्ष तक वनवास दिया उसके पास उसके घर क्यों जाएंगे। लेकिन राम का ये आदर्श रहा कि सर्वप्रथम वही कैकेयी के पास गए। भगवान रामचंद्र के चरित्र से अनेकों शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से एक आज दिवाली के दिन जो घटना घटित हुई, भगवान राम का कैकेयी के घर पर जाना, ये हम सबको एक प्रेरणादायक है कि साल भर जो हमारी सबसे अधिक निंदा किया हो, साल भर जो हमसे सबसे अधिक ईर्ष्या रखा हो, साल भर जिसके साथ सबसे अधिक हमारी बनती नहीं हो, दिवाली के दिन हमें उसी के घर पर पहले जाना चाहिए। अब दिवाली आज तो चली गई, कल से साल मुबारक शुरू हो रहा है ना, तो कल सबसे पहले उनके घर पर जाओ। ये भगवान रामचंद्र के चरित्र से सीखने मिला। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कल सुबह सुबह कोई आपके घर आ जाए तो आप ऐसा समझ लें कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुल मिलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हम सबको अपने आचरण से सिखाया कि उनसे अधिक निकट जो हमारी निंदा करे, ईर्ष्या करे, उससे सबसे अधिक निकट रहे। क्योंकि वह तो प्रशंसा करने वाले, इस संसार में लोगों को गिराने वाले जो है ना, वो प्रशंसा करने वाले हैं। और हमको भजन में या हमारे कार्य में जो संभाल कर रखेंगे, हमारा कभी अभिमान नहीं बढ़ने देंगे, वो है हमारी ईर्ष्या, निंदा करने वाले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रशंसा करने वालों को तो जैसे वो पशु लोग चिल्लाते ना, उसी प्रकार से समझकर भूल जाना चाहिए। ठाकुर भक्तिनोद ने कहा, मानेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, मान और प्रतिष्ठा को तो शुकर की विष्ठा के समान समझो। परंतु जो हमें डांटते हैं, जो हमें फटकारते हैं, जो हमारी निंदा करें, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ। एटलीस्ट ये तो पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है। अब बताओ कि इस दुनिया में लोगों के पास कहां टाइम है। हमारे शरीर में रोग होता है, हमें पता नहीं होता, गड़बड़ होती है पेट में, हाथ में, पांव में, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है उसे बताने का पैसा लेते हैं। केवल हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी हो रही है वो चेक करने का, वो बताने के पैसे लेते हैं। धन्य है वो भक्त जो मुफ्त में, फ्री में हमारे जीवन में क्या गड़बड़ी हो रही है वो फ्री में बता देता है। कितने बड़े कृपालु है वे, कि कोई सैलरी नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, और बिना पैसे लिए, बिना कुछ कहे, और सामने से आकर कि भाई साहब आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है,
इस समाज में इससे बड़ा कृपालु और कौन है। रामायणकार गोस्वामी जी ने रामायण लिखने से पहले सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम किया जो उनकी निंदा करते थे कि वे धन्य है जो एटलीस्ट घर बैठे हमें ये तो बता रहे हैं कि क्या कमी है, कम से कम उसे सुधार तो सके। तो भगवान रामचंद्र अयोध्या में जब आए आज के दिन दिवाली के दिन, तो सबसे पहले कैकेयी के घर पर गए हैं और वास्तव में कैकेयी को प्रणाम किया और कहा, माँ मां धन्यवाद करता हूं आपका। क्योंकि ऐसी कथा है कि जब भगवान रामचंद्र की इच्छा हुई थी वन में जाने की, तो भगवान राम एक दिन कैकेयी के पास गए और कहा, माँ आज मैं तुमसे एक वस्तु मांगना चाहता हूं। और कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, बोले बेटा मांगो जो चाहिए मांगो। बोले माँ ऐसी वस्तु है जो मुझे कौशल्या भी नहीं दे सकती, सुमित्रा भी नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता। बोले क्या बेटा क्या चाहिए? बोले माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कैकेयी की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन राम ने मांगा इसलिए कैकेयी ने यह साहस किया। ये लीला का दूसरा पहलू है। और भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में आए तो सबसे पहले कनक भवन कैकेयी के पास गए, कैकेयी को दंडवत प्रणाम किया। यद्यपि राम के कहने पर कैकेयी ने वनवास दिया था लेकिन फिर भी कैकेयी को बड़ा अफसोस था, बहुत रो रही थी कैकेयी, बहुत चिंता में। बोले राम मुझे क्षमा कर देना। बोले माँ मां क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी कृपा है, आपकी दया है। यदि आपने मुझ पर यह कृपा नहीं की होती तो मैं 14 वर्ष वन में कैसे रह पाता। मां यदि आपकी मुझ पर कृपा न होती तो लाखों लाखों ऋषि मुनियों का दर्शन कैसे होता। मां आपने यदि मुझे वनवास नहीं दिया होता तो लाखों असुरों का वध कैसे होता। मां ये लाखों असुरों का वध करना, पृथ्वी का भार दूर करना और साधु संतों को आनंद देना, ये मात्र आपकी कृपा से हो चुका है। ये सारा फल, ये सारा श्रेय मां आपको है। यह कहकर भगवान ने कैकेयी को प्रणाम किया भगवान रामचंद्र ने। तो इस प्रकार दिवाली के दिन बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मुझे जो तत्कालीन स्मरण हुई कि हमें उनके साथ अधिक रिलेशन रखना चाहिए जो हमारे अंदर की खामियां अधिक परख रहे हो, पहचान रहे हो। और दूसरा, हमें सदैव किसी भी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव वस्तु देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र ने कैकेयी में देखा, कैकेयी ने कहा मैंने वनवास दिया, भगवान ने कहा कि आपने वनवास नहीं दिया होता तो असुरों का विनाश कैसे होता, साधु संतों को दर्शन कैसे मिलता, पृथ्वी का भार कैसे दूर होता। गुण देखें, हम कभी कभी क्या करते हैं, मैं 16 माला करता हूँ वो 4 ही करता है, मैं 32 करता हूँ वो इतना ही करता है। लेकिन यह देखने से अच्छा है कि चलो कम से कम वो एटलीस्ट 4 तो कर रहा है। दुनिया के लोग कुछ नहीं करते, मांस खाते मदिरा पीते, कम से कम बेचारा प्रयास तो कर रहा है। हमें ये साल का अंतिम दिन है, मैं ये प्रवचन अपने आप को पहले कह रहा हूं कि हमें एक ऐसा अभ्यास करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले वर्ष में मैं किसी भी व्यक्ति को देखूंगा या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचूंगा तो उनके गुणों को ही देखूंगा। देखिए साधु संघ की बड़ी महिमा है, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, और हम लोग कितना साधु संघ किए लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, गड़बड़ क्या है जानते हैं? इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, गुण दोष सबके अंदर है। हम जब किसी साधु की संगति करते ना तो उस साधु में कुछ गुण है कुछ दोष है। शास्त्र में कहा गया साधु संगति करे, इसका अर्थ क्या है कि उस साधु के अंदर रहे हुए गुणों की संगति करे। लेकिन हम साधु के पास तो जाकर आते हैं, उनके गुणों की संगति नहीं उनके दोषों की संगति करके वापस लौट रहे हैं। इसलिए बाहर से दिखता है कि हम साधु संग कर रहे हैं लेकिन अंदर से
हम साधु नहीं, हम असाधु संग कर रहे हैं, हम दोषों का संग कर रहे हैं, इसलिए हम दोष लेकर घर पर आते हैं। तो इस प्रसंग से हमें ये दो बात ध्यान रख लेनी चाहिए मेरे जैसे भक्तों को, कि साधु के अंदर जो गुण है उनकी संगति करें, दोष से हमें कोई मतलब नहीं। यदि उनके अंदर दोष है तो वो जाने, उनके गुरु जाने, उनके भगवान जाने। हम तो सब के अंदर से गुण लेने का प्रयास करेंगे, और कोई पूर्ण नहीं है, सबके अंदर कुछ कुछ गुण दोष है, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है सबके अंदर। इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, वैसे सबके गुणों को लेते जाएंगे तो एक ना एक दिन हम भी पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन सबके दोषों को लेते जाएंगे तो एक ना एक दिन हम लोग पूर्ण दोषों से भर जाएंगे। तो भगवान रामचंद्र से आज ये छोटी सी शिक्षा, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु के पास, यहाँ से मैंने शुरू किया है, अब राम के बाद चैतन्य महाप्रभु, फिर अंत में कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आज के दिन के विषय में जो कहते हैं, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में मेरी कथा थी, इस्कॉन ब्रुकलिन वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, 7 सत्र में कथा हुई, और उस कथा के दौरान टॉपिक दामोदर लीला का था, तो उन दिनों हम रोज इसे गाते थे। मोर चैतन्य महाप्रभु के शब्द है, सुनिए। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति मोर पुत्र, आप गा सकते हैं, मोर सखा मोर प्राण पति एई भावे करे जे मोर शुद्ध भक्ति एई भावे करे जे मोर शुद्ध भावे करे जे मोर शुद्ध भक्ति मोर शुद्ध माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन माता भाव से पुत्र भावे करे न बंधन माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन ज्ञाने करे लालन पालन अधीन ज्ञाने करे लालन अधीन ज्ञान करे लालन पालन अधीन ज्ञान करे लालन। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला और चतुर्थ परिच्छेद में बहुत सुंदर ये बात बताई। क्या कहा? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति। यदि कोई भक्त, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई भक्त कृष्ण को इस भाव में भजता है, किस भाव में? मोर पुत्र। यदि कोई भक्त समझे कि ये कृष्ण मोर पुत्र मेरा पुत्र है, मोर सखा, यदि कोई भक्त ऐसा समझे कि ये कृष्ण मेरा सखा है, या यदि कोई ऐसा भक्त समझे कि कृष्ण मोर प्राण पति, कि ये मेरे प्राण पति है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति,
कृष्ण को अपना पुत्र समझकर, सखा समझकर या अपना प्राण प्रियतम समझकर जो भजन करता है उसकी भक्ति कैसी मानी जाएगी? यही भावे करे जई मोर शुद्ध भक्ति। वास्तव में इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति। भक्त शुद्ध भक्ति जैसी कोई चीज नहीं है, भक्ति तो भक्ति होती है, लेकिन क्या करे, रूप गोस्वामी को मजबूर होकर भक्ति सामर सिंधु में यह वर्ड डालना पड़ा शुद्ध भक्ति। जैसे जैसे घी घी होता है, आज से 100 साल पहले शुद्ध घी नाम का कोई शब्द नहीं था। आज से 100 साल पहले गांव में शुद्ध घी नाम का शब्द नहीं था, घी घी होता है। लेकिन जैसे कलयुग बढ़ता गया, घी में मिलावट होती गई, इतनी मिलावट होती गई कि आज बोलना पड़ता है कि ये घी है और ये शुद्ध घी है। ठीक उसी प्रकार भक्ति शुद्ध ही होती है, लेकिन इस कलयुगी दौर में भक्ति में इतनी मिलावट होती गई, इतनी मिलावट होती गई कि रूप गोस्वामी को एक अलग से डेफिनेशन देनी पड़ी कि यह है भक्ति और यह है शुद्ध भक्ति। तो हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ये डालडा घी है ये शुद्ध घी है। तो अब इसका उत्तर सबसे अधिक कौन दे पाएगा? चैतन्य महाप्रभु। हम उसी की परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, किसे कहते हैं शुद्ध भक्ति? तो एई भावे करे जेई मोर शुद्ध भक्ति। कौन सा भाव? मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़कर जो भक्ति करते हैं उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। जब तक भगवान से के साथ संबंध नहीं जुड़ा और बिना संबंध के हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो प्रैक्टिस है। परंतु संबंध जोड़ने के बाद जो हम करते हैं भगवान की प्रेममयी सेवा, वो है शुद्ध भक्ति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं वैसे सकल संसार करे मोर भय भक्ति। महाप्रभु ने कहा इसी श्रृंखला में कि ये पूरी दुनिया डर के कारण मेरी भक्ति करती है। जैसे रास्ते से, यहां तो पता नहीं, इंडिया में जब कार लेकर रास्ते से जाते हैं और रास्ते में कोई माता जी का मंदिर आया तो भाव से और प्रेम के कारण नहीं रोकते हैं, बोले बीच में मंदिर है, नहीं रोका तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए रोक कर गाड़ी में बैठ कर ही ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। भय भक्ति, या मैं भक्ति नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, भक्ति नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा, मेरी जॉब चली जाएगी। तो सकल संसार करे मोर भय भक्ति। महाप्रभु कहते हैं कि ये सब मेरी भय भक्ति करते हैं, लेकिन मैं उससे इतना प्रसन्न नहीं होता हूं। महाप्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं या कृष्ण चाहते हैं कि हम उसे, हम उसके साथ संबंध जोड़े, फिर चाहे वह वात्सल्य का संबंध हो, चाहे वह माधुर्य का हो, चाहे वह साख्य संबंध हो, भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनकी सेवा आगे बढ़ानी चाहिए। तो आज दिवाली का दिन है, जिसका संबंध हो चुका है भगवान के साथ, जो भगवान को अपना कुछ ना कुछ मान चुके हैं, वो ठीक है, वो अपना संबंध दृढ़ करें, और जो नहीं माने हैं मेरे जैसे, तो आज से कोई एक संबंध जोड़े, और कल नया साल है तो कल से उस संबंध के अनुसार भगवान के साथ व्यवहार शुरू करें। यदि माधुर्य संबंध है तो जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है वैसे भगवान कोई उस भाव में सेवा करे, यदि कोई साख्य संबंध है तो उस भाव में करे, दास्य है तो जैसे एक दास है, जैसे एक नौकर अपने मालिक अपने स्वामी की सेवा करता है, उस प्रकार से उस भाव में सेवा करे। सेवा तो करते हैं, सेवा सब लोग करते हैं, लेकिन संबंध जोड़कर सेवा करने से शुद्ध भक्ति कही जाती है। समझ रहे ना मेरी बात? साधारण दृष्टांत दे दूं, कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं, बच्चे हो या पोते हो, और भगवान का दर्शन हम करते हैं, उस समय ईमानदारी से अपने हृदय को, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए
कि भगवान की ओर अधिक दृष्टि है कि वो बेटे की ओर अधिक दृष्टि है। गोद में बेटा हमारा बेटा है और सामने भगवान है, भगवान के सामने खड़े हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन दिल से यदि पूछा जाए तो भगवान से अधिक दृष्टि अपने बेटे में है। आए हैं मंदिर में, सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि हमारे पुत्र में अधिक है। कारण क्या है? कारण कि वो जो हमारे गोद में है उसके साथ हमारा रिलेशन है, संबंध है, और सामने जो खड़ा है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन नहीं होने के कारण वो प्रेम, वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान से रिलेशन जुड़े, संबंध जुड़े, गुरु का यही कार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमार आज्ञा है तार यही देश, मेरी आज्ञा है सब गुरु बनो। गुरु बनकर करना क्या है? भगवान के साथ संबंध जुड़ाना। और भगवान के साथ संबंध जुड़ना कोई नई चीज नहीं है या कोई मुश्किल चीज नहीं है। भगवान के साथ हम सबका ऑलरेडी संबंध है, क्योंकि हमारे शरीर को जन्म देने वाले हमारे माता पिता हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को जन्म देने वाला कौन? एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया, इसलिए परमात्मा का आत्मा के साथ कुछ संबंध है, रिलेशन है। सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये नित्य सिद्ध हमारा संबंध है, लेकिन वर्तमान में हम उसे भूल चुके हैं। तो उस संबंध को हमें पुनः स्थापित करना चाहिए। और वो कब होगा? श्रवण आदि शुद्ध चिते करी उदय। श्रवण और कीर्तन करने से वो संबंध उत्पन्न होगा, लेकिन वो जब तक उत्पन्न ना हो तब तक कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए। कोई ना कोई संबंध, जो भी संबंध अच्छा लगे भगवान के साथ, वो संबंध जोड़ लेना चाहिए। और फिर जब हम भक्ति करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यही भावे करे जयी शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति है, अन्यथा ओनली प्रैक्टिस है। तो इस प्रकार से महाप्रभु की एक बात में बीच में रामचंद्र की बात हो गई, भगवान रामचंद्र की, चैतन्य महाप्रभु की अब 10-12 मिनट है तो भगवान कृष्ण की बात कर लेते हैं, श्याम कुंड प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण आज के दिन, हम वैष्णव जगत में आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन भगवान की एक बहुत बड़ी लीला हुई, दामोदर लीला। कृष्ण की अनेकों लीला है, लेकिन सभी लीलाओं में सबसे अधिक माधुर्य भगवान का इस दामोदर लीला में प्रस्तुत हुआ है। बहुत सुंदर इस लीला में भगवान ने, मैंने कथा की उसमें दामोदर लीला के 12 कारण बताए थे। भगवान ने सोचा कि मुझे बंधना है, क्यों क्यों भगवान ने दामोदर लीला की, इसके पीछे 12 कारण आचार्यों ने दिए हैं। कि कृष्ण ने सोचा कि मैं दुनिया को बांध कर बैठा हूं, कृष्ण ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि यार पूरे जगत को मैंने बांध रखा है, कैसे ओतम पोतम पट वधत्र विश्वम, जैसे जैसे किसी बैल के नाक में रस्सी होती है और उसका स्वामी जैसे खींचता है तो खड़ा रह जाता है, लेफ्ट में खींचता है तो लेफ्ट, दाई बाजू बाई बाजू, वैसे माया रूपी रस्सी से भगवान ने संसार के सभी जीवों को बांध कर रखा है। भगवान ने सोचा कि मैंने पूरी दुनिया को बांध कर रखा है, एक बार मुझे भी बंधना चाहिए, क्योंकि ये बंधन कैसा होता है थोड़ा मुझे भी देखना चाहिए, क्योंकि घायल की गति घायल जाने। केवट का प्रसंग आप जानते हैं, केवट एक तो पार करा नहीं रहा था और भगवान रामचंद्र के चरण को धोया और बड़ी मुश्किल से नौका में तो बिठाया, लेकिन नौका चलाने लगा, सीधे सीधे चलाया होता तो 5 मिनट में गंगा पार हो जाती, लेकिन भगवान के भक्त बहुत टेढ़े होते हैं, ये टेढ़े की सेवा कर करके, भगवान कृष्ण टेढ़े हैं तो भक्त भी टेढ़े हो जाते हैं। वैसे तो इनका सब कुछ टेढ़ा है, ये जहां रहते हैं गोकुल की गलियां भी टेढ़ी हैं, ये जिस यमुना का में स्नान और पान करते हैं यमुना भी टेढ़ी है, ये जिस ब्रजवासियों के बीच में रहते ब्रजवासी भी टेढ़े हैं,
कभी ब्रजवासी के साथ पाला पड़ जाए तो पता चले उनका सब कुछ टेढ़ा है, भक्त भी टेढ़े हैं। केवट सीधे सीधे गया होता तो नौका गंगा पार हो जाती, लेकिन ये क्या बताएं, हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद के रिक्शा वाले की तरह नौका चलाने लगा। आप यदि अहमदाबाद में जाओ और रिक्शा वाले को पता चले कि ये नया बंदा है तो आपको पूरा अहमदाबाद घुमा घुमा के फिर डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा और फिर कहेगा 500 का बिल हुआ है। होगा सीधा 10 मिनट का रास्ता, लेकिन पूरा घुमाएगा। केवट भी उसी प्रकार करने लगा। लक्ष्मण क्रोधित हुए, बार बार बाण निकाल रहे थे। राम ने शांत किया, लक्ष्मण खून खराबा ठीक नहीं है। फिर राम ने कहा, जब जा नहीं पाए, कहा केवट अब हम थक गए हैं, अब पार करा दो, ये इधर चक्कर मरवा रहे हो, ये चक्कर मार मार के अब थक गए। तब केवट ने कहा बस 2-5 चक्कर में थक गए, मैं आपको एहसास कराना चाहता था कि हम लोग 84 लाख के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप 2-5 चक्कर में थक गए। ये चक्कर कितने मुश्किल होते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने देखा दुनिया को बंधन में बांधा है, तो मैं भी एक बार बंध जाऊं। इसलिए भगवान ने ये दामोदर लीला करना स्वीकार किया। ऐसे 12 कारण हैं जिसका समय हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे जो कृष्ण लीला में, इस दामोदर लीला में जो मुझे आपको मूल पाठ बताना है, दामोदर लीला भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में है और इस अध्याय में 23 श्लोक है, 23, और उसमें एक श्लोक मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है, 15 सालों से भागवत पढ़ रहा हूं, गा रहा हूं, पूरे भागवत का यदि कोई सार श्लोक है, मुझे पूछा जाए कोई एसेंस क्या है भागवत का, तो दामोदर लीला में 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का जिस श्लोक में यशोदा ने कृष्ण को बांधा, जिस श्लोक में कृष्ण बंधे, मेरी दृष्टि से भागवत का पूरा सार गर्भित श्लोक है। ये श्लोक कौन सा है पहले मैं आपको बताऊं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं संदर शितायंगम, कहते हैं मां यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं और बांधते बांधते विस्त्रस्त कबरस्त्रज, मां यशोदा के बाल बिखर गए, यशोदा के बालों में फूल थे, वे फूल भी गिर गए। अब कथा तो बहुत सुंदर है, मुझे तो सब स्मरण आ रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने कथा समाप्त की। यशोदा जब कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी ना, तो यशोदा के बालों में जो फूल थे वो नीचे गिर रहे थे, जब माखन बना रही थी तो फूल पीछे गिर रहे थे, जब कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी तो बालों के सारे फूल आगे गिर रहे थे। तो एक आचार्य ने बहुत सुंदर हरीश्वर जी ने टीका में लिखा कि वो फूल क्यों गिर रहे थे, आध्यात्मिक जगत के फूल भी चिन्मय होते हैं, वो सोचते हैं। उस यशोदा के मस्तक के बालों के फूलों ने सोचा कि आज मां कृष्ण को पकड़ रही है, आज एक भक्त भगवान को पकड़ रहा है और संकल्प लेकर के पकड़ कर रहूंगा। जो भक्त अपना सारा काम छोड़कर कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है और कृष्ण के पीछे दौड़ता है 24 घंटा, उस भक्त के मार्ग को फूलों से सजा देना चाहिए। यह सोचकर यशोदा के बाल के सारे फूल यशोदा के आगे गिर गए। उन फूलों ने हम भक्तों को यह शिक्षा दी कि जो भक्त जिनका जीवन, जैसे हम सुबह नाम अपराध में लेते ना, कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण प्रचार में भजन में समर्पित किया हो, उनका अपराध तो नहीं करना चाहिए तो रोज सुबह बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस लीला से यह पता चलता है कि उनका मार्ग फूलों से सजा देना चाहिए, अर्थात उनका आदर, उनकी सेवा आदि करनी चाहिए। और बाल बिखर गए, वस्त्रों का कोई ज्ञान नहीं रहा, विस्त्रस्त, विस्त्र माने सारे वस्त्र ढीले पड़ गए, बाल बिखर गए, और सो मातु स्विन्न गात्राया, और माता के शरीर में बहुत पसीना होने लगा। सो मातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज,
अब मैं आपको याद कराऊं कि ये घटना दिवाली के दिन है, दिन की है। दिवाली के दिन भारत में दिवाली नवंबर में होती है, अक्टूबर में होती है। भारत में नवंबर दिसंबर में ठंड शुरू हो जाती है और खास करके हमारे ब्रज में वृंदावन में बहुत ठंड होती है। अभी अभी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन 5000 वर्ष पहले बहुत ठंड नवंबर दिसंबर में दिवाली के दिन। मुझे जो आपका ध्यान केंद्रित करना है कि दिवाली का दिन था, बहुत ठंड का दिन था, और उस ठंड के दिन में यशोदा की स्थिति का वर्णन भागवत में क्या हुआ, स्व मातु स्विन्न गात्राया यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई, साथ ही साथ विस्त्रस्त्र कवरस्त्र जे उनकी साड़ी का कोई ज्ञान नहीं रहा, बालों का कोई ज्ञान नहीं रहा, और फूल गिर गए कोई ज्ञान नहीं रहा। जब भगवान कृष्ण ने देखा, क्योंकि ये तो बंद ही नहीं रहे थे, यशोदा बहुत उनके पीछे भाग रही थी, हाथों में आ गए तो वो दो उंगली का चक्कर था कि वो गांठ लगी नहीं रही थी, तो बहुत प्रयास किया, बंद नहीं रहे थे। जब कृष्ण ने यशोदा की ओर देखा तो उन्होंने कृष्ण देखा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। श्लोक क्या है, स्व मातुः स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। कृष्ण ने देखा, कृष्ण परिश्रमं दृष्ट्वा, कृष्ण ने देखा कि मेरी मां इतना परिश्रम कर रही है। कृष्णे परिश्रमं दृष्ट्वा, कृष्ण ने अपनी मां का परिश्रम देखा, क्या परिश्रम था, इतनी इतनी ठंड में पसीना हो जाना, बाल बिखर जाना, वस्त्रों का कोई ज्ञान न रहना। मां यशोदा के कृष्ण को पकड़ने का परिश्रम कृष्ण ने देखा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। कृष्ण ने क्या देखा, परिश्रम देखा, और फिर क्या हुआ, कृपया आसीत स्वबंधने। यशोदा का परिश्रम देखा और उस परिश्रम को देखकर कृपया आसीत, कृष्ण के हृदय में कृपा शक्ति उत्पन्न हुई। ऐसी कृपा उत्पन्न हुई कि कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए और आचार्यों ने गा दिया, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सत्यव्रत मुनि का यह अनुवाद है। सत्यव्रत मुनि ने कहा कि धोखा मत खा जाना, ये दामोदर कोई रस्सी से नहीं बंधे हैं, रस्सी के बंधन में नहीं है। रस्सी रस्सा कहां बांध सकता है भगवान को, दिखने में रस्सी है, तत्व से यदि देखा जाए तो हमारे श्याम सुंदर कृष्ण प्रेम के बंधन में बंधे हैं। इसलिए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन। वे दृष्टांत देता है, जान मीरा कीन राणा ले सका, जान मीरा कीन राणा ले सका, जहर भेजे थे वो अमृत बन गए। राणा ने जहर भेजा था मीरा जैसी भक्ता को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने उस जहर को अमृत बना दिया, कारण प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, क्योंकि भगवान को मीरा ने कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांध लिया था। भक्त नरसिंह भक्त का तुमने बरा, भक्त नरसिंह भक्त का तुमने बरा, वृंदावन के सेठ श्यामल बन गए। प्रेम के, आप सब कथा जानते ही हैं कि नरसिंह मेहता ने उन साधुओं को लिख कर दिया था कि द्वारिका जाओ, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। बोले पैसे देगा कौन,
तो इन्होंने कहा था कि सावरिया सरकार सामलिया सेठ करके है, वो आपको पैसे दे देंगे, ये मेरी एजेंसी है, मुंडी कहते हैं आज की भाषा में एजेंसी। तो ये तो गए साधु लोग द्वारिका में, बोले सामलिया सेठ की एजेंसी कहाँ है, दुकान कहाँ है, दुकान कोई जगह दुकान नहीं, क्योंकि नरसिंह ने तो भगवान से विश्वास रखकर कहा था। तो बोले वो झूठ तो नहीं बोला, क्या हुआ, तब तक तो भगवान द्वारिकाधीश सावरिया सरकार बनकर पैसों की बोरी लेकर उन साधुओं के पास आए पसीने से लथपथ, बोले क्षमा कर दीजिएगा मुझे आने में देरी हुई है, नरसिंह ने जो आपको हुंडी लिखकर दी है ये मैं ही हूँ, ये आप रख लीजिए। साक्षात भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हैं। तो आज वही कृष्ण यशोदा के रसी के नहीं प्रेम के बंधन में बन गए। महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे जैसे भक्तों के लिए कि हम सब लोग भक्ति के मार्ग में हैं और इस भक्ति के मार्ग में भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। बांधना माने भगवान को प्राप्त करना, भगवान को पकड़ना, ये भगवान को बांधने के बराबर है। तो हम सब लोग रोज मंगला आरती करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फोर रेगुलेटर प्रिंसिपल, 16 माला, ये कथा, ये कीर्तन, ये क्यों करते हैं, ताकि भगवान बंध जाए, मिल जाए, प्राप्त हो जाए। लेकिन इस प्रसंग से, इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि भगवान तब तक नहीं बंधेंगे जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे। परिश्रम नहीं, कुछ लोग भक्ति को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि बस 16 माला करें, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, प्रभुपाद ने ये कहा, लेकिन ये नए भक्तों के लिए कहा, मेहनत बहुत करनी होगी। कितनी मेहनत, तो भागवत का ये श्लोक, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण ने यशोदा का परिश्रम देखा, शरीर का कोई ज्ञान नहीं, वस्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, और उस परिश्रम को देखकर भगवान उनके वश में हो गए। मुझे आपसे यही कहना है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए, नंबर भगवान यशोदा के नंबर से प्रसन्न नहीं हुए। कई बार हम लोग नंबर के बड़े चक्कर में रहते हैं, मैं तो 32 करती हूँ वो तो 16 ही करती है, मैं तो 64 करता हूँ वो तो इतना ही करता है। कई बार हम लोग नंबर के चक्कर में रहते हैं, उसने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इसने तो इतना ही किया, ठीक है उत्साह के लिए, लेकिन याद रहे भगवान नंबर नहीं देखते, 16 तो करनी है एटलीस्ट, कम से कम भगवान प्रयास देखते हैं। मैं पूरा दिन फ्री बैठा हूं और मैं 16 माला आसानी से कर लेता हूं, लेकिन आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बिजी है, अपने पूर्व जन्म के कर्मवश बहुत जगह पर लगा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है और 4 माला मुश्किल से वह जाप करता है, मेरी 16 माला आसानी से हो जाती है क्योंकि मेरे पास टाइम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास समय नहीं और मुश्किल से वह 4 माला कंप्लीट करता है, तो भगवान मेरी 16 माला से अधिक उनकी 4 माला पर अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसने अधिक प्रयास किया है। मैंने कम, मेरे पास जो सुविधा है उसमें मुझे 32 करनी चाहिए, 64 करनी चाहिए, लेकिन उनके तो 4 माला से प्रसन्न है क्योंकि उसका प्रयास अधिक है। मैं 16 करके भी कम प्रयास कर रहा हूं और वो 4 करके भी अधिक प्रयास कर रहा है, और मेरे कृष्ण प्रयास देखते हैं, याद रहे वो प्रयास देखते हैं। इसलिए हमें भी, हम भक्तों को भी बड़े नंबर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि फलाना भक्त इतना करता है, वो इतना करता है, वो प्रयास कितना करता है ये महत्वपूर्ण है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण परिश्रमं दृष्ट्वा, और प्रयास में 3 चीज होनी चाहिए, एक तो प्रयास होना चाहिए और दूसरा शास्त्रों के अनुसार प्रयास होना चाहिए और तीसरा गुरु के मार्गदर्शन में प्रयास होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन अपने मन बुद्धि से जो चाहा वो कर लिया, इससे भी भगवान हाथों में नहीं आएंगे। तो आज के दिन ये महत्वपूर्ण बात है कि आज इस दामोदर लीला के दिन हैं, जो भगवान बंधे हैं, बनने का कारण है प्रयास, हम सबको खूब प्रयास करना चाहिए। जैसे नए साल में हम सोचते हैं कि इस साल में हमने इतना पैसा कमाया, अब ये टारगेट है हम अगले साल इतना अधिक कमाएंगे, हर साल बढ़ाते जाते हैं, वैसे हमारा भजन भी, इस साल हमने इतना प्रयास किया, अगले साल हम भजन में अधिक प्रयास करेंगे। तो आप लोग करोगे प्रयास पक्का, ठीक है? तो
श्याम कुंड प्रभु ने प्रवचन के पहले जो अनाउंसमेंट किया कि जो मंदिर में जो घट रहा है वो आज के दिन पूर्ण हो जाना चाहिए। मैं फिर से श्याम कुंड प्रभु को कहता हूँ, आप माइक लीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए, हम सब लोग मिलकर ये जो आगंतुक प्रयास है इसे हम पूर्ण करेंगे। दिवाली की आप सबको शुभकामना, नए साल की शुभकामना, बहुत अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, भाई दूज आ रही है, गोपाष्टमी आएगी, तुलसी विवाह, प्रभुपाद फेस्टिवल, बहुत सारे दिन आ रहे हैं, तो ये सब उत्सव के दिन है। इन सब उत्सवों के दिन में मंदिर में आते रहिए और अधिक से अधिक भजन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज इस दिवाली के दिन आपने, मंदिर मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का अवसर दिया, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।